받고. आज बड़े दुखद घटना का है, दिन है, उगा है परिवार के लिए और हम सभी होमगार्ड्स के लिए और अपने राज्य सरकार के जो भी है नागरिक है राज्य के। लेकिन ये एक हमारे ग्रैब कंपनी का बॉर्डर होमगार्ड का जवान है था, जो कि खनिज ड्यूटी में भरतपुर के माध्यम से हिंडौन लगे हुए थे। रात को खनिज विभाग के फोरमैन और रात्रि गश्ती दल ने वहाँ जो अवैध या अधिक भार से लोडेड ट्रक का पीछा किया, उसको रुकवाया और उसी दौरान जो घटना हुई उनको रोकने के बाद पुलिस भी आई और फिर इन तीन जवानों को उस ट्रक में बिठाकर उसको पुलिस थाना चौकी ले जाने के लिए रवाना हुए। उस दौरान ट्रक ड्राइवर ने लापरवाही करके ट्रक को पलट दिया रॉन्ग साइड में, जिससे जो ब्लॉक भरे हुए थे सैंडी स्टोन के वो गिरने के कारण और नीचे दबने के कारण इनकी शहादत हुई है। दो जवान जो इनके साथ और थे उन्हें एक को हिंगलाजदान जिन्हें SMS एडमिट किया, जिनकी तबीयत ठीक है, अब वो खतरे से बाहर है, उन्हें बेड रेस्ट के लिए वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया। इनके साथ तीसरे जवान थे उन्हें भी वहाँ से हॉस्पिटल करौली हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। नेमा राम जी के पिताजी भी हमारे बॉर्डर होमगार्ड के पूर्व जवान रह चुके हैं, सागरा राम जी, और इस क्षेत्र के जो भी युवा है और पुराने बुज़ुर्ग हैं उनमें से बहुत सारे लोगों ने सेवाएं दी है इस विभाग को और इसके मार्फत राज्य सरकार को और देश की सेवा करने के लिए ये हमेशा तत्पर रहे हैं। विभागीय सहायता के लिए जो नियमानुसार है हम उस प्रक्रिया को पूर्ण कर रहे हैं, जो दी जा रही है एक्सग्रेसिया है 20 लाख का है, फिर कल्याण कोष का है जो हमारे सदस्यों और हमारे स्टाफ की तरफ से प्रति साल पैसा इकट्ठा किया जाता है उसमें से दिया जाएगा, सामूहिक दुर्घटना का बीमा का पैसा है वो दिया जाएगा और इसके साथ में भी हमारे स्वयंसेवक और स्टाफ और अन्य जहाँ ड्यूटी करते हैं वहाँ के डिपार्टमेंट के लोग अपनी स्वेच्छा से जितना पैसा इकट्ठा करके देते हैं वो भी इनके परिवार को दिया जाता है। जल्द से जल्द शहीद का दर्जा मिले इसको लेकर, हाँ शहीद के दर्जे के लिए जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करवा के करवाया जाएगा जो भी सिस्टम है राज्य सरकार के नियमानुसार। तो कैसे परिवार के आर्थिक हालात है आपने यहाँ देखा? वो आर्थिक हालात तो पश्चिमी राजस्थान है और इस एरिया में बहुत ही कठिन परिस्थितियों में ये जीवन यापन करते हैं, लेकिन इनका जो जज्बा है देश के प्रति और राज्य के प्रति और विभाग के प्रति वो बहुत ही मतलब सराहनीय है